फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नाश्ता, जिसे आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी छोटी मोटी भूख का इलाज करने के साथ साथ आपको ये हेल्दी भी रखेगा, क्योंकि ये बनने वाला है कम तेल में, तो आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक प्याज जो मीडियम साइज की है, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो बिना प्याज के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, आप प्याज हटा देना। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली, जिसको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप ग्रीन चिली को हटा देना, आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लेना। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया, जो हमारा लाल होना चाहिए और जूसी होना चाहिए। ना हमें इसके बीज निकाल लें ना ही जूस निकाल लें, और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा मोटा मोटा कट करना है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर मैंने ट्रांसफर कर दिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। अब इसके बाद मैंने लिया है मटर, जो मैंने बॉईल करके लिया है। यहाँ पे मटर को मैंने सिर्फ 50% बॉईल किया है, पूरा पकाया नहीं है। और यहाँ पे मटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मटर ना हो तो आप बिना मटर के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी कटोरी मटर है, जिसको मैंने बॉईल करके छान लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने गाजर लिया, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बड़ा चम्मच गाजर लिया है, ज्यादा गाजर नहीं इस्तेमाल की है। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और नाश्ता काफी ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा। इनमें से कोई भी वेजिटेबल अगर आपके पास ना हो तो आप इसको हटा सकते हैं, जो आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, चौथाई चम्मच, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और नाश्ते को हजम करने में आपको मदद भी मिलेगी। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे मैं छोटा टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली इसीलिए मैं कम डाल रही हूँ। अगर आपने हरी ना डाली हो तो आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। एक टेबल स्पून तक हम डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफी ज्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। हाफ टी स्पून तक हम डालेंगे साबुत जीरा, जिससे नाश्ते को काफी अच्छा लुक मिलेगा और टेस्ट भी अच्छा मिलेगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और इसको मैंने मोटा मोटा कट करके डाला है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, या फिर आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, ताजा वाला, जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं कई जगह पे। अब इसमें हम सिर्फ एक बूंद ऑयल डालेंगे, बस एक बूंद, ज्यादा नहीं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिल जाए। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने सारी चीजों को मिक्स कर दिया। अब इसको हम 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिल जाए और जितना सब्जियां पानी छोड़ना हो वो छोड़ दें। तो चलिए इसको रेस्ट देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, नमसम 1/2 टीस्पून तक, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया, अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, सिर्फ 1 पिंच डालना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा और नाश्ते को पचाने में आपको मदद मिलेगी। 1/4 चम्मच जीरा, जरा जीरा नहीं जाएगा, और जीरे को हम अच्छे से चटका लेंगे 10 से 15 सेकेंड। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर इस्तेमाल किया है मीडियम साइज का, जो जूसी होना चाहिए, अच्छे से पका होना चाहिए और लाल होना चाहिए। ना आपको इसके बीज निकालने ना ही जूस निकालने। तो यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, जो 2 इंच का अदरक है, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा अदरक का। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को धीमी धीमी आँच पर ही पकाएंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, गैस का फ्लेम तेज नहीं करना है। यहाँ हमने एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से पतला पतला लच्छे में कट कर लिया है। अगर आप इस तरह से ना कट कर पाए तो आप इसे नॉर्मली छोटे छोटे पीसेस में करके डाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें टमाटर को गलाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए और प्याज भी हमारी ट्रांसपेरेंट होने लगी है। तब इसमें हम डालेंगे 4 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप बिना लहसुन के भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने लहसुन को 10 से 15 सेकंड अच्छे से पका लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मूंगफली, जो कच्ची वाली है। यहाँ पे हमने 2 बड़े टेबल स्पून मूंगफली डाली है, जो वेट ने हमारी मुश्किल से 2 ग्राम है, ज़्यादा नहीं है। और मूंगफली को हम अच्छे से भूनेंगे
तो यहाँ पे एक मिनट तक हम मूंगफली को कंटिन्यू चलाते हुए अच्छा सा कलर आने तक भुनेंगे, जलाएंगे नहीं, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट हो चुका है, हमारी मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और 1/2 चम्मच चाट मसाला, जिससे ये चटपटी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए चाट मसाला मैंने डाला है सिर्फ 1/2 टीस्पून तक। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 चम्मच। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और आपको भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। अब इसको हम गैस के फ्लेम को बंद करके हल्का सा ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की गलती मत करना। अब हम एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, जो सबसे छोटा वाला है। इसके अंदर हम हल्के से गरम को इसको ट्रांसफर कर देंगे। इससे इसको पीसेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, ठंडा करके मत पीसना। ये देखिए अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, क्या आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। और अब इसमें हम डालेंगे शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, ये हम 1/4 चम्मच डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा, मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिर्फ 1/4 चम्मच डालना। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड नारियल, जो हम 1/2 टीस्पून तक डालने हैं। अगर आपके पास फ्रेश वाली नारियल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट आएगा। और 3 दाने हम साबुत काली मिर्च के डालेंगे, यानी ब्लैक पेपर, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो साबुत वाली डालना है, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना काफ़ी। अब इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड मैंने इसको पीस लिया है, आइए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। अब चलिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसको पीसते समय, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। टेक्सचर आप थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन मलाई की तरह इसका टेक्सचर है। और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इसको पीसने के लिए। अब आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और लुक बहुत प्यारा आएगा। तो आ गए गैस की तरफ, एक पैन लेंगे, आप तड़के पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस 1/2 चम्मच। और यहाँ पे तड़के के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, इसको मैं डाल दूंगी। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच तक राई, जो बारीक वाली होती है इस तरीके से। अगर आपके पास ना हो तो आप सरसों के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से चटका लेंगे 10 से 15 सेकंड, काला नहीं करना है। ये देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ गई है, तड़के से आपका पूरा किचन महक जाएगा। आप चलिए ऐड करते हैं। तो अब हम अपना गर्मा गर्म तड़का इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, और तड़का लगाने के बाद जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं। और इस चटनी को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करिए, बिल्कुल आराम से, कोई भी खराब नहीं होने वाली। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों ने अपना जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है और सारे फ्लेवर आपस में मिल गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। लेकिन मैं हेल्दी तरीके से बना रही, तो मैं 100% गेहूं का आटा लूंगी, जिसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। यहाँ वेट में हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे, जो आपको हर किचन में आसानी से मिल जाती है, वो है बेसन। 2 चम्मच हमें इसके अंदर बेसन डालना है, इससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा और नाश्ते का लुक भी प्यारा आएगा, सिर्फ 2 टेबलस्पून तक। तो यहाँ पे देखिए मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको छान के लेना है। अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिला देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली इसके अंदर कितना पानी जाएगा, क्योंकि सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है। ये देखिए अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, जो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा गर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल वाटर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के पहले मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और हमारा जो बैटर बनेगा वो बिल्कुल स्मूथ सा बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसमें मैं और पानी डालूंगी। टोटल मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखेंगे, अगर और पानी लगेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए टोटल 1 ग्लास पानी हमारा लग चुका है।
इसको इस तरह से बनाने के लिए। तो इसका टेक्सचर अभी तो सही है, अब इसको हम रख देंगे कवर करके 2 मिनट फूलने के लिए। 2 मिनट के बाद हम अपने नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे, तो 2 मिनट का रेस्ट देना जरूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल करके फटाफट बना सकते हैं। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है, ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, इस तरीके से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ, एक पैन लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस तरह से, और आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं गर्म करना है। और जो भी पैन या तावे का इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए ताकि आपका नाश्ता जल्दी जले ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, हथेली लगाइए, अगर थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही है आपको तो समझ जाइए आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब बनाने से पहले आप इसी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जो सब्जियां हैं वो एक बराबर हर तरफ से मिल जाए। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच बैटर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुले में पकाएंगे तो काफ़ी अच्छा कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको खुले में पकाऊंगी, 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, लो फ्लेम पर पकाने के बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए इस तरह से ऊपर से ड्राई होना शुरू हो चुका है और पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तब तक आपको वेट करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब आप इसको आराम से किसी भी चीज़ में इस तरह से पलट सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, और अब इसको हम इस तरह से इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया बना है, और इस तरह से दबा दबा के इसको सेकेंगे ताकि दूसरे साइड से भी ऐसा ही हमारा बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो। तो इसे आपको लो फ्लेम पर पकाना है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, दूसरे साइड से भी अच्छे से इसको पकाते हुए, और यहाँ पे आप इस तरह से पैन को देखिए, अगर ये देखिए इस तरह से छोड़ रहा है, बस बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा रिजल्ट आया है इसका, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। दोबारा बनाने के लिए आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, जो तेल हमारा लगा हुआ है उसी में हम इसको इस तरह से मिक्स करके, तो गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और 2 चम्मच डालना है। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पकने देंगे जैसे हमने पहले वाला पकने दिया था खुला ही। तो सारे बनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए क्रिस्पी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है मक्खन मलाई की तरह, और वेजिटेबल से भरपूर है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और इस चटनी के साथ जब आप इसको खाएंगे तो आप मुझे याद करेंगे, ये चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो आप इसे इस चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको केचप के साथ ही सर्व किया है, तो केचप के साथ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो सब्जियां मैंने डाली हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें और सब्जियां डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, लाइट वेट भी है, और आप इसे पति के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।